नमस्कार साथियों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं होली के कलर वाले कपड़े धुलकर आप लोगों को सामने से दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। देखिए ये कितने गंदे कपड़े हो गए हैं। मेरी बेटी ने 3-4 दिन से इसका वीडियो शूट करने गई थी होली का, तो इतना भिड़ा भिड़ा कर लाई है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मेरा मन भी करा कि मैं होली का कपड़े धोने का वीडियो बना दूं। पिछले साल भी मैंने डाली थी, आप लोगों ने साल भर देखा है और बहुत पसंद किया है। तो इस बार भी मेरे को यही शौक लग रहा है कि मैं फिर से बताऊं, ताकि आप लोग परेशान ना हों होली के कपड़े किस प्रकार से कलर छुटाते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। तो ये देखिए, ये घाघरा चोली है, कितना कलर दिख रहा है। तो मैं क्या करी हूँ कि 2 घंटे के लिए मैं धूप में सुखा दी हूँ इनको। धूप में क्यों सुखाना है, क्योंकि 2 घंटे अगर धूप में सुखा देंगे, तेज धूप में, तो ये कलर जो रहते हैं ना, तो वो कलर उड़ते हैं धूप में सूखने के बाद। तो हमको धुलने में, जब पानी में हम कपड़े बोड़ कर धुलते हैं, तो ज़्यादा कलर भी नहीं निकलता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इस प्रकार से 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना चाहिए। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उल्टा करके भी दिखा रही हूँ, सीधा करके भी दिखा रही हूँ कि कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं। और ये ध्यान रखें दोस्तों कि होली खेलने के टाइम ज़्यादा कलर का उपयोग ना करें, गुलाल का उपयोग करें। गुलाल से खेलते हैं तो कपड़े में कलर भी दिखने लगते हैं और कपड़े ख़राब भी नहीं होते और धुलने में जल्दी भी छूटते हैं। तो ये देखिए, ब्लैक कपड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा कलर है, दिख नहीं रहा है कलर के कारण। वाइट कलर में कलर ज़्यादा दिखता है। तो वो अलग अलग प्रकार से सूट करी थी अपने हिसाब से, तो वो अपने कपड़े अरेंज करी थी। तो ये देखिए, ये शर्ट में दिख रहा है वाइट के कारण, तो कितनी गंदी है ये शर्ट। और ये ब्लाउज भी, जब हम झटकारते हैं ना इस तरह से, ज़ोर ज़ोर से झटकारना है, क्योंकि जो कलर रहते हैं बूढ़ जाते हैं। अब मैं एरियल पाउडर दिखा रही हूँ, मेरे पास खुला पैकेट था तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। तो कम से कम 3 से 4 चम्मच एरियल पाउडर को घोल लेना चाहिए और पूरे कपड़े को भिंगा देना चाहिए। और यहाँ पर भी समय का ध्यान रखें दोस्तों कि 2 घंटे के लिए यहाँ पर भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि 2 घंटे अगर कपड़े भीग जाते हैं तो हमको धुलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और कपड़े अच्छे छूटते हैं। अब 2 घंटे का रेस्ट हो गया है। अब मैं सारे कपड़े को बाल्टी में पलट दी हूँ और टब में पानी निकाल कर धुल रही हूँ। तो कपड़े को इस तरह से धुलना है दोस्तों कि उसमें वॉशिंग पाउडर वाला पानी बिल्कुल ना रहे। फिर इसके बाद में फिर साबुन लगाना है। मैं रिन साबुन का उपयोग कर रही हूँ। तो साबुन लगा करके फिर कपड़े को फिर से अच्छे से धोना है। इसी तरह से सारे कपड़े को धुलना है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना क्लीन हो गया ये घाघरा, मैंने अभी पहले ही कपड़ा धोया है। और ये ब्लाउज को तो देखिए दोस्तों, ये मैं सुखाई थी ना, तब कितना कलर दिख रहा था, और अभी ये इसमें थोड़ा सा कलर निकल गया है। पर ये ध्यान रखें दोस्तों कि सूती के कपड़े में होली बिल्कुल ना खेलें। ये ब्लाउज थोड़ा सा सूती का कपड़ा था। इसके बाद मैं वाइट वाली शर्ट धो रही हूँ। तो ये शर्ट भी देखिए कितनी क्लीन हो गई है। और इसके बाद फिर मैं जीन्स वगैरह धो रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे कपड़े को धुल लूँगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जीन्स में तो बहुत ज़्यादा कलर है, जितना पानी डाल रहे हैं उतना ही कलर लग रहा है इसमें। अब हम साफ पानी से सभी को फिर से डुबा करके निकाल लेंगे। मेरे पास वॉशिंग मशीन है, पर मैं उसमें नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को अच्छा से नहीं दिखेगा। तो मैं हाथ से ही धुलकर आप लोगों को पूरे कपड़े दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं सभी कपड़े को बारी बारी से आप लोगों को दिखा दिखा करके सुखा रही हूँ कि सभी कपड़े कितने क्लीन हो गए हैं। और अगर बच्चे होली खेलते हैं तो अपने हाथ पैर में तेल लगा लें और गुलाल की ही होली खेलें, क्योंकि गुलाल से ज़्यादा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ध्यान रखें होली खेलने के लिए उठपटांग होली ना खेलें,
इस तरह से मैं पूरे कपड़े को आप लोगों को दिखा रही हूँ दोस्तों कि कितने क्लीन हो गए हैं। होली खेलने के बाद कपड़े को धूप में जरूर डालें। ये देखिए पूरे कपड़े हमारे धुलकर तैयार हैं, क्लीन हो गए हैं, साफ सुथरे दिखने लगे हैं। इस तरह से होली के कपड़े सुखाते हैं। अब ये कपड़े लगभग सूख गए हैं और इसके बाद में मैं सूखे हुए कपड़े भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं लास्ट तक पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हमारे कपड़े पूरे सूख गए हैं, अब इनको प्रेस करने की तैयारी है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में किसी के पैसे नहीं बढ़ते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा और आप लोगों को अच्छा लगा। इस प्रकार से मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होती हूँ कि मेरा वीडियो लोगों को पसंद आता है। थैंक यू, हैप्पी होली, धन्यवाद।